हेलो दोस्तों, आज एक्सेल का एक टॉपिक है सीरीज, और इसको आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं और उनके थ्रू हम आउटपुट थोड़ा अच्छा और जल्दी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं एक कॉलम में रोल नंबर एंटर करना चाहता हूं, जो कि स्टार्ट होंगे 101 से लेकर 500 तक। पर नॉर्मली ये काउंटिंग अगर मैं मैन्युअली टाइप करूंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट हो जाएगा। तो इस काउंटिंग को ऑटोमेटिक मोड पर करने के लिए सबसे पहले हमें काउंटिंग स्टार्ट, फिल, सीरीज, लीनियर, कॉलम पे क्लिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मैं काउंटिंग चाह रहा हूँ वो मुझे कॉलम में अवेलेबल करानी है, ना कि रो में। तो अगर रो में चाहते हैं तो आप रो पे क्लिक कर सकते हैं, अभी हम फिलहाल कॉलम पे क्लिक कर रहे हैं। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कि 101 के बाद हम जो नेक्स्ट वैल्यू डिमांड कर रहे हैं वो कौन सी चाहिए। फॉर एग्जांपल 102 चाहिए, तो 101 और 102 में स्टेप हुआ 1 का, इसलिए वो स्टेप 1 वैल्यू रहेगी। अगर कोई ऑल्टरनेट नंबर डिमांड कर रहा है तो वो स्टेप वैल्यू को 2 रख सकता है, तो 101 के बाद 103 अवेलेबल हो जाएगा। अभी फिलहाल हम 1 ही रख के देख लेते हैं। स्टॉप वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जहाँ तक हम उस काउंटिंग को चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 500 तक करा, ओके करा, एक क्लिक ने आपको पूरी की पूरी काउंटिंग अवेलेबल करा दी टिल 500। ये तो हुआ लीनियर का सिंपल सा ऑप्शन जिसको मैं स्टेप वैल्यू हमने 1 मेंशन करा। अब एग्जांपल वाइज मैंने इसी को फिर से स्टार्ट करा 101, अब स्टेप वैल्यू इंक्रीज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेप वैल्यू दे दिया 2, अगेन स्टॉप वैल्यू दी 500, ओके करा, तो अब ध्यान से देखिए कि अब 101 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 103, 105, 107, 109 टिल 500 तक वो मुझे अवेलेबल होगी। स्टॉप वैल्यू ऑटोमेटिकली 499 है, क्योंकि अगर इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो इट विल बिकॉज 501, पर हमने स्टॉप वैल्यू 500 लगा रखी है इसलिए वो पहले ही स्टॉप हो चुका है। तो ये तो हुआ पहला ऑप्शन सीरीज का लीनियर। इसी में सेकंड ऑप्शन आता है ग्रोथ। ग्रोथ बेसिकली यूज होता है अगर हम उसमें कोई भी स्टेप वैल्यू डालते हैं तो वो उस स्टेप वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी 2, फिल में गए, सीरीज में गए, ग्रोथ पे क्लिक करा, कॉलम फिर से क्लिक करा क्योंकि मेरी सारी नीड कॉलम में चाहिए मुझे, तो अब ग्रोथ मैंने यहाँ पे करा 5 का, स्टॉप वैल्यू डाल दी 5 लाख, ओके करा। ध्यान से देखिए 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250, तो ये × 5 × 5 तब तक चलेगा जब तक ये मेरी स्टॉप वैल्यूज के आसपास नहीं पहुंच जाता। अब है 1,56,250, जो कि × 5 होने के बाद 5 लाख को एक्सीड करेगा, इसलिए अब ये यहीं पर ही स्टॉप हो चुका है। तो इसका मतलब लीनियर और ग्रोथ में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि लीनियर में हम जो भी स्टेप वैल्यू डालते हैं वो प्लस होता चला जाता है, ग्रोथ में हम जो भी स्टेप वैल्यू डालते हैं वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। सेम सिनेरियो में कभी कभी हमारी नीड आ जाती है कि हमने कोई ऐसी टेबल बनानी है जिसमें हमें डेट एंटर करनी है। अब डेट में होता क्या है कि डेट एक तो लंबा फॉर्मेट होता है, थोड़ा लिखने में टाइम ज़्यादा डिवोट हो जाता है, और अगर किसी को पूरे मंथ या पूरे क्वार्टर तक के लिए डेट लिखने को बोल दिया जाए तो वो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल में आ जाएगा कि भाई इतना बड़ा काम अब उसको करना पड़ेगा। इससे बेहतर फिल में जाइए, सीरीज में जाइए। यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट डेट क्लिक हुआ पड़ा है। रीज़न इसलिए क्योंकि जो करंट सेल है उसने ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लिया कि उस सेल के अंदर डेट ही है। चाहिए क्या, सीरीज कॉलम में या रो में, तो मैंने कॉलम सेलेक्ट करा। स्टेप वैल्यू आप मेंशन करिए, स्टॉप वैल्यू अगेन मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल मैंने 31 मार्च 2023 मेंशन कर दिया, ओके करा।
अब यहाँ पे डेट यूनिट में अभी फिलहाल डे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, अभी डेट ही रहने दे डे ही रहने देते हैं, उसके बाद चेक कर लेंगे कि वीक डे मंथ या ईयर से क्या क्या चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ओके करा, तो ध्यान से देखिए अब ये डेट कंटिन्यू होते होते टिल 31 मार्च 2023 तक जा चुकी है। अब अगर मैं इसमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेम फिल सीरीज कॉलम डेट पे क्लिक पहले से ही है, अब मैंने यहाँ पे लिया वीक डेज। यहाँ पे वीक डेज का मतलब होता है कि वो ओनली मंडे टू फ्राइडे तक के डेज ही हमें यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 31 जनवरी 2023 तक की स्टॉप डेट डाल दी, ओके करा, चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ध्यान से देखिए इन दो डेट के बीच में 7 और 8 मिस है, क्योंकि वो हमारी सैटरडे संडे है। सेम आगे चलते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 14 एंड 15 मिस है, यानी कि वो सैटरडे संडे है। इसी तरीके से अब कोई पर्सन डेट कंटिन्यू नहीं चाहता, वो कहता है कि मुझे मंथ कंटिन्यू कराने हैं। फॉर एग्जांपल वो एक टीचर है और उसको फी का शेड्यूल बनाना है, तो वो क्या करेगा, उस स्टूडेंट की पर मंथ की फीस का शेड्यूल बनाने के लिए मंथ चेंज करना चाहता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया 15 मार्च 2023 को, अब उसकी सिक्स मंथ तक इसी डेट पर फीस कलेक्ट करनी है, तो अब वो क्या करेगा, फिल सीरीज डेट ऑटोमेटिकली कॉलम स्टेप 1 मंथ क्लियर करेगा, स्टॉप हो गया ये आपका 15 सितंबर 2023 तक, ओके करिए। ध्यान से देखिए डेट विल रिमेन सेम, ईयर विल रिमेन सेम, मंथ विल बी चेंज। सेम सिचुएशन में आप ईयर को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी सीरीज ऑप्शन में एक ऑप्शन और अवेलेबल होता है, उसका नाम होता है ऑटोफिल। ये ऑटोफिल थोड़ा सा एडवांस कह लीजिए, या ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करके उसकी कंटिन्यूटी प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ ग्रोथ करनी होती है, या फिर उसको इंक्रीज करना होता है जितना उनका बीच का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2.234 और नेक्स्ट वैल्यू डाली 4.435। अब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच के डिफरेंस को मुझे आगे कंटिन्यू करना है इन द सेलेक्टेड रेंज, तो अब बेटर होगा कि मैं फिल में जाऊँ, सीरीज में जाऊँ, ऑटोफिल पे क्लिक करूं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको खाली ओके करना है। इन दोनों वैल्यूज के बीच का जो भी डिफरेंस है वो नेक्स्ट सेल में प्लस होता हुआ आगे कंटिन्यू रहेगा विद इन दैट रेंज जो हमने सेलेक्ट करी थी। होप करता हूँ ये सीरीज ऑप्शन आपके बहुत काम आएगा। अगर ऐसा और कोई ऑप्शन आपको जानने की इच्छा है, या आपका कोई ऐसा काम है जो रुक रहा है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स।